अकान है। सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी यही है, हम त्याग करते हैं, हम भगवान देखते हैं। जब तू जीव होकर के प्यार करने निकलोगे तो एक दिन थकने वाले हो। भगवान ही भगवान है ये निश्चय ना करके तुम भगवान देखने निकल रहे हो, तो एक दिन शैतान देख के लौटोगे। इधर निश्चय क्या कराया जाता है, तू प्रेम स्वरूप है, जैसे सूरज है, वो अगर रोशनी नहीं देगा तो क्या देगा, ना दे रोशनी, पर उसका स्वभाव ही यही है, स्वरूप ही यही है। क्या हमने अपने अंदर ये निश्चय किया कि मैं ही प्रेम स्वरूप हूं? मैं प्रेम करना क्यों पड़ता है? जो एक ही अंदर भावना आपने पाल ली है, मुझे प्रेम करना है। प्रेम तो हमेशा दूसरे को किया जाता है, जब करने की बात आ जाती है। दूसरा है मैं उसको प्यार करता हूँ, और प्यार करने के लिए मैं उसकी गलतियां इग्नोर कर रहा हूँ, प्यार करने के लिए मैं उसको माफी देके बैठा हूँ। वो तो प्यार नहीं करता, वो ऐसा करता है वैसा करता है, पर मैं प्यार करता हूँ। अब इतना सारा कचरा अंदर जमा हो गया और आप लगे हो प्यार करने, कैसी सफाई की है आपने? जैसे मेड आती है ना, वो सारा कूड़ा पलंग के नीचे अलमारियों के नीचे डाल जाती है और बाद में जरा सा चौक साफ कर जाती है। आप भी दिल की सफाई ऐसे करते हो, अंदर सब कूड़ा रख लेते हो और बाहर दिखावा ऐसा करते हो जैसे पता नहीं कितनी सफाई कर रहे हो आप। जब कोई भी व्यक्ति कर्ता भाव से प्रेम करेगा वो थकेगा, थकने वाला है, एक दिन टूटने वाला है और विक्षेपता में भी आने वाला है। जबरदस्ती कितना खींचोगे, एक रबड़ को भी ज्यादा खींचो टूट जाती है। आप भी मन को बहुत खींचोगे टूट जाएगा एक दिन। सबसे पहले अपने स्वरूप को जानो, आया मां भगवान। जब तक तू ब्रह्म स्वरूप नहीं है, तुम सामने किसी को भगवान नहीं देख सकते। सामने भगवान क्यों है, हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं, सामने भगवान कैसे है और क्यों है, तुम ही सोच के बताओ जरा। क्यों और कैसे का जवाब है, जब मैं देह रहत हूं, मैं निराकार ब्रह्म हूं, तो सामने भी वही है। लेकिन जब आप ये सोच रहे हो कि मैं तो जीव हूं, इसको मैं भगवान करके देख लूं, नहीं देखा जाएगा। जो अपने लिए निश्चय है, साधु के लिए सब साधु हैं, चोर के लिए सब चोर हैं। जब तक आप अपने में साधु पढ़ने का निश्चय नहीं करोगे, सबको साधु करके देखना मुश्किल होगा। आप देखो जो नेचर आपका होता है, आप उसी दृष्टि से सबको पलते रहते हैं। आपका दिखावे का स्वभाव हो, आपको दूसरों में शक जाएगा, ये भी दिखावा करता होगा। आपका अनुमान ज्ञान लगाने का स्वभाव हो, आपका मन कहेगा ये दूसरा भी मताना अनुमान लगाता हो। आपको किसी में शक शंका होती हो, आपको लगेगा ये सामने वाले को भी मेरे में शक होगा, शंका होगी। जो भीतर होता है वो बाहर देखने में आता है। जब तक भीतर भगवान नहीं होगा, बाहर भगवान कैसे देखने में आएगा? पहले तो अपने अंदर निश्चय हो ना। जब तुम स्वयं इस निश्चय में खड़े होंगे, तुम्हें वही देखने में आएगा। आप देखो कितने पुजारी लोग होते हैं, अब ये जो तांत्रिक वांत्रिक होते हैं,
ये काली माता के पुजारी है ना। अब काली माता का स्वरूप कैसा है, थोड़ा भयावह स्वरूप है। आप देखो उनको, तांत्रिकों के चेहरे देखो, कितने डरावने होते हैं, हरकतें भी डरावनी होती, मतलब जो चिंतन है वो बाहर आ ही जाता है। राम भगत हो कोई बहुत बड़ा, आप उसकी सौम्यता देखो चेहरे पर, कितना सौम्य भाव होता है, क्योंकि राम का स्वरूप सौम्य है, सौम्यता उसके चेहरे पे आ जाती है। तो जो हमारे भीतर होता है वो बाहर देखने में आता है। मेरे भीतर का निश्चय क्या है पहले ये देखना पड़ेगा। जब हम अपने को जान गए, हम ब्रह्म स्वरूप हैं, आई एम सन ऑफ गॉड, कुछ भी निश्चय करो तो आपको सारी दुनिया भी वैसी देखने में आएगी। दृष्टि में सृष्टि है, ऐसा नहीं है कि मेरा निश्चय कुछ और हो गए, मैं दूसरों को कुछ और देखूंगी। अपने अंदर पाप पड़ा रहता है, सब में पाप दिखता है, जो भीतर होता है वो बाहर दिखता है। अब अपने भीतर की सृष्टि को, वृत्ति को, दृष्टि को हम थोड़ा बदल लें तब काम बनेगा। जो हम खुद हैं वो सामने वाला भी है। अब मैं भगवान हूं तो सामने तो है ही भगवान, ऑटोमेटिकली देखने की क्या जरूरत पड़ेगी, ये भी तो बेकार की खेचल है। हम भगवान देखते हैं, भगवान में देखना क्या, ये तो आपको समझाना पड़ता है। तो ये शब्द बोले जाते हैं, भगवान देखो, सी गॉड एवरीवेयर, ये बातें कह दी जाती हैं। पर असल में भगवान का देखना क्या हो, क्या देखेंगे भगवान को देखने में, क्या देखेंगे, कभी इस चीज का मनन किया? गुरु ने कह दिया भगवान देखो, आप चल पड़े भगवान देखने, फिर वापिस आ गए, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। भगवान देखना होता क्या, क्या है भगवान देखना? राम देखे सबने, कृष्ण देखे, नानक देखे, क्या देखे सबने? भगवान देखना क्या है? दरअसल जब कुछ नहीं दिख रहा है तो ही भगवान है। जब तक दिख रहा है, गुरु नानक साहब कहते हैं, जब लग देखी तब लग माया। जो इस आंख से देख रहे हो वो है माया, और मायामय होने के कारण है विनाशी। अब आप कहते हो मैं भगवान देखूंगा, आप तो जो देख रहे हो मायामय। हृदय का एक भाव है भगवान का, वो भाव बनते ही सामने वाले का नाम रूप आकार विकार सब गुम हो जाता है। ये हुआ भगवान देखना। और कैसे देखेंगे भगवान? आप बोलोगे मैं गुरु के कहने से भगवान देख रहा हूं, पर हमें भी तो समझाओ कैसे देखे जा रहे हो, सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, विचार शांति दे जाता है, आपको लगता है मैंने भगवान देख दिया। पर ब्रह्म ज्ञानी से पूछो उसकी दृष्टि कैसी है। जब यह दृश्य कछु ना दृष्टेता, पाप पुण्य फिर कहते लेपा। भगवत दृष्टि माना जब कोई नाम रूप आकार नहीं आया आंख में। अब आंख अगर देखती है, ये तो देखती है आकार। अभी हम तुमको गुरु जी का स्वरूप दिखाते,
ये तो नहीं है स्वरूप, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा आकार, नहीं दिख रहा, दिख रहा फिर भगवान कैसे देख रहे? हृदय का भाव है क्योंकि भगवान वाला, तो आपका ध्यान भी नहीं जा रहा उन्होंने क्या पहना क्या नहीं पहना। गिनोगे अंगूठियां कितनी है, चूड़ी डायमंड की है इनके हाथ में, भाव ही नहीं जाता, क्यों? भगवान ने हृदय का एक भाव कहता है भगवान ने, तो सांसारिक कुछ दिखता ही नहीं है। तस्वीर भी देख लो, सांसारिक कुछ नजर आता है, कुछ नहीं नजर आ रहा। अब जब आप कह रहे हो सर्व में पेखे भगवान, कैसे भगवान देख रहे हैं? क्या यहां भी सब कुछ दिखते हुए अनदेखा हुआ? तब मानेंगे तो भगवान है, वरना नहीं मान सकते। अब जब भगवान है उधर से आप खुद भी वही हो, चलो संसार में थे तो भगवान से प्यार था, एक भगवान जी थे उनसे प्यार था, अब भगवान भी तुम खुद हो गए, अपने से भी बहुत प्यार है। अब सामने प्यार करना पड़ेगा, कभी आप कहते हो मैंने अपने को बड़ा प्यार किया, दूसरे के लिए क्या बोल रहे? मैं प्यार करता हूं, एक नौकरी लग गई आपकी प्यार करने की, सारा दिन निभाए फिरते उसको, मैं प्यार करता हूं, मैं झुकता हूं, मैं बैठता हूं, ये जो मैं की लगाड़ है ये तो साथ चलती जा रही है। जब तुम प्यार करने वाले भी बन गए तो भी तेरे प्यार का असर किसी पर नहीं होगा, क्योंकि तुम बन गए, तुम प्यार कर रहे हो, तुम्हें प्यार करना है, ये भी एक कर्म बना डाला है, क्रिया बना डाली। प्रेम मेरा सहज स्वभाव है, देख के अपना आप फिर ये हो जाता दिलदार। अपने आप के लिए तो प्रेम सहज ही है, कभी नहीं सोचना पड़ता, कभी नहीं करना पड़ता, कभी खेचल नहीं होती, कभी थकान नहीं होती, प्रेम तो है ही है, फिर ये करना कहां से आ गया? दादाजी का अनुभव पूछा गया, दादा आप इतनों को प्रेम कैसे कर लेते हैं? दादा मुस्कुरा के कहते हैं जब मैं प्रेम करने के सिवाय रह नहीं सकता हूं तो प्रेम करता हूं। इब्राहिम लिंकन वाली बात आती है, जब उन्होंने सुअर को निकाला कीचड़ से और महफिल में उनका बड़ा नाम लिया गया, यश गाया गया, तो उन्होंने क्या बोला? मैं सुअर की चीत्कार सह नहीं पा रहा था, मैंने इसलिए निकाला, मैंने एहसान नहीं किया। दादा कहते हैं मैं प्रेम करने के सिवाय रह नहीं सकता हूं इसलिए प्रेम करता हूं, और तुम क्या कहते हो? क्या करूं, मैं ही प्यार करता हूं, अपनी मजबूरी देखो और दादा की मजबूरी देखो, दोनों मजबूरियों में कितना फर्क है। दादा की मजबूरी कहती है मैं प्रेम करने के सिवाय रह नहीं सकता हूं, मेरी मजबूरी है, मेरे को प्रेम किए बिना चैन नहीं आता है, मैं प्रेम ना करूं तो मुझे सुकून नहीं मिलता है, ये दादा भगवान का अंदर का भाव है कि वो प्रेम करने के सिवाय रह नहीं सकते। अब सूरज है, वो रोशनी के दिए बिना रह ही नहीं सकता, जहां पहुंचेगा तो ना वो देखता है कीचड़, ना वो देखता है गंदगी, ना वो देखता है झोपड़ी, ना वो देखता है महल। अब जब प्रेम का स्वभाव बन जाता है या प्रेम
मेरा स्वरूप है ऐसा निश्चय हो जाता है, तो सोच सोच के थोड़ी करना पड़ता है। अब तो जड़ चेतन के लिए प्रेम है, एक जड़ चीज को भी पकड़ोगे तो भी प्रेम सहित और आदर सहित, जड़ चेतन के लिए प्रेम आ जाता है अंदर जब प्रेम मेरा स्वरूप है। ये नहीं सोचना पड़ता इसको करता हूं इसको नहीं करता हूं, मैं तो करता हूं ये तो नहीं करता है। सूरज ने कभी अंधेरे की शिकायत की? आप अगर प्रेम स्वरूप को ये शिकायत भी कैसे करते हो कि मैं करता हूं दूसरा नहीं करता है। सूरज को रोशनी उधारी चाहिए, उसने अंधेरा देखा है। फिर हमारे स्वरूप की जो बात है उसमें ये थकान खेचल करना ये सब कहां से आ गया, ये सब कहां से आया? सबको देख के चित सहजी प्रसन्न रहता है, गदगद रहता है अंदर से, मुस्कुराहट बनी रहती है चेहरे पर, आनंद विभोर रहते हैं अंदर से, कुछ चीजें तो बड़ी सहज हो जाती हैं, बहुत ही सहज। ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, न्यूट्रल है अंदर वाला, प्रेम में मगन है अंदर वाला, क्योंकि है ही भगवान। अपनी भावना गलत है सामने वाला भी गलत है, अपनी भावना सही है सामने तो सब ऑटोमेटिकली सही है। अब मन के जो भाव है ना, राग वाले द्वेष वाले ईर्ष्या जलन कुणन, जो इस तरह के मन के भाव होते हैं, इन भावों को जीतना प्रेम के स्वभाव से ये पुरुषार्थ हो जाता है। बाकी ये नहीं एक एक को देख के प्यार करना होता है। मन में जो द्वैत के कारण भाव उठते हैं, अपने स्वरूप का निश्चय करके, अपने प्रेम स्वरूप का निश्चय करके हृदय के उन द्वैत के भावों को जीतना ये पुरुषार्थ है प्रेम का। जब गुरु कहता है ना प्रेम करो, उनका मतलब ये होता है मन के द्वैत के भाव खत्म करो, अंदर ये विचार करके कि मैं तो स्वयं प्रेम स्वरूप हूं, प्रेम मेरा धर्म है, प्रेम मेरा स्वभाव है, ऐसा भाव करके अंदर तो आप प्रेम कर सकते। जब तक अंदर प्रेम की भावना अटल नहीं होगी तब तक ये द्वैत नजर आता है। और ये छोटे छोटे भाव अक्सर मन में उठते रहते हैं क्योंकि सूक्ष्म भाव थे, आप इग्नोर कर देते हैं। लेकिन है तो सही, जब आपको अपने में ही प्रेम का अभाव समझ आए कि मेरा कहीं प्रेम है कहीं नहीं है, कहीं मैं प्रेम कर सकता हूं कहीं नहीं कर पाता हूं, जब आपको अपने में प्रेम का अभाव समझ आए तो आप जानना द्वैत के ये स्वभाव आपको अटैक कर रहे हैं, द्वैत के ये स्वभाव आपको बांध रहे हैं, द्वैत के ये स्वभाव अंदर आपको प्रेम स्वरूप नहीं होने दे रहे हैं, इसीलिए प्रेम का अभाव हो जाता है। रहता तो है सबके अंदर, अब राग भी रहता है द्वेष भी रहता है ईर्ष्या भी रहती है जलन भी रहती है कुड़न भी रहती है, बहुत कुछ रहता है इंसान के अंदर, पर इन स्वभावों को जीता कैसे जाए? एक अपने निश्चय से। जब तुम खुद प्रेम स्वरूप को प्रेम के सागर हो तो फिर ये द्वैत क्यों उठना चाहिए अंदर?
जो चीज प्रेम करने में बाधक आ रही है, बाधक बन रही है, उसका विचार पहले करो। हमारा मेन कोर्स कुछ और है, हम चले कहीं और जाते हैं, दिक्कत ये हो जाती है। मेन चीज पे ध्यान दो ना, मेन हमारा मोटिव क्या है। मेन मोटिव ये नहीं है प्रेम करना है, मेन मोटिव है मैं ही प्रेम स्वरूप हूं। जैसे यहां बच्चे आते हैं, अब सबका मन करता है भी यही रह जाए, आप तो बड़ा प्यार करते हैं। हम देखते हैं पहले किसी का ज्ञान में इंटरेस्ट है, सत्संग में पूरा इंटरेस्ट है तो यहाँ बैठे, वरना हम बोलते नहीं बेटा तुम अपना ही पढ़ो, आया करो, वहां से किसी ना किसी बहाने से भगाते। क्योंकि जब किसी का सत्संग में इंटरेस्ट नहीं है मेन कोर्स में, बाकी सब तो सेकेंडरी बातें हैं। अब किसी ने सेवा कर ली, किसी ने कुछ कर लिया, ये तो सेकेंडरी बातें हैं। मेन कोर्स क्या है? मेन तो सत्संग है। अब सत्संग में पूरा इंटरेस्ट है, सत्संग को पूरा समझते हैं, सत्संग में एकाग्रता से बैठते हैं, पढ़ा स्कूल ले जाओ आप अपने बच्चे को, अब स्कूल वाले सारा दिन गेम्स करवा रहे हैं और आप कहते हो आप पढ़ाई कब कराओगे, तो यहां पर मेन कोर्स क्या हो गया? ये नहीं है कि मुझे प्रेम करना है, यहां मेन बात है मैं खुद प्रेम स्वरूप हूं। अब आपकी बात सुन के हैरानी ये लगती है, सूरज कभी अंधेरा भी बांटता है क्या? क्या सूरज कभी अंधेरा बांटेगा? फिर आप प्रेम नहीं करोगे तो क्या करोगे, जरा बताओ? अगर आपके भीतर प्रेम नहीं है तो फिर क्या है? ये तो आपका स्वभाव नहीं है। देखो प्रेम हमेशा आपको कंफर्टेबल करता है, और द्वैत के जितने भाव हैं वो हमेशा डिस्कम्फर्ट करते हैं। जो चीज समा जाए, अब पानी पियो किसी को तकलीफ नहीं होती, कोल्ड ड्रिंक हो सकता है बीमार कर दे, जूस हो सकता है शुगर बढ़ा दे, पर पानी तो पांच तत्व है ना, इसीलिए पानी तंग ही नहीं करता। क्या डाइजेस्ट होता है बॉडी में? जिन तत्वों से शरीर बना, ये उन्हीं तत्वों से पोषित होता है तो सही रहता है। अग्नि का अंश है, ताजा फुल्का खाते हो, गरम खाते हो, ठीक रहता है, ठंडा खा लो, इनडाइजेशन हो गया, है ना? हर चीज ही वो एक्सेप्ट कर पा रहा है, कंफर्टेबल हो रहा है, जिससे ये बना। अब आप भी विचार करके देखो, आप प्रेम स्वरूप हो, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है प्रेम करके आप खुश रहते हो, आनंदित रहते हो। समझो किसी के घर भी सत्संग के लिए ही चले, आपको थोड़ा सेवा का मौका मिल गया, भजन गाने का मौका मिल गया, नाचने का मौका मिल गया, बात करके आ गए अगले से, आप कितने प्रसन्न होते हो। आपको किसी का पता करने भेज दें कोई बीमार है, अगला खुश हो जाता है, बहुत प्यार करता है, आप पूरा दिन हवा में खुश। इसका मतलब प्रेम करने में आपको ही प्रसन्नता आ रही है, मजा आ रहा है ना? और जिस दिन सहज प्रेम होता है उस दिन भारीपन नहीं होता, मैं करके आया, मैंने किया, ऐसे लगता है अंदर बड़ी खुशी आ रही है। गुरु से प्रेम करते बड़े खुश हो, प्रेम मेरा स्वभाव है, लेकिन द्वैत के सारे भाव मुझे डिस्कम्फर्ट करते। कैसे? राग होता है तो चिंतन चले जा रहा है, द्वेष हो रहा है तो कुड़कुड़ मची हुई है, ईर्ष्या है, जलन है, दुखी करते। अपने अंदर में जब द्वैत का भाव आ जाता है तो द्वैत के स्वभाव हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। यहां से पता चलता है, प्रमाण है, प्रेम मुझे कंफर्टेबल करता है, इसका मतलब मैं प्रेम स्वरूप हूं। द्वेष मुझे कंफर्टेबल करे, बदले की भावना मुझे कंफर्टेबल करे, ईर्ष्या जलन कुणन ये मुझे सुकून दे दे, नहीं।
किसी की निंदा भी करके आप परेशान होते हो, भवे तन जाती है, खिंच जाते हो, कुड़ जाते हो, रोटी खराब कर बैठते हो। द्वैत के सारे भाव आपकी अपनी अशांति का इंतजाम है कि नहीं? सारे भाव द्वैत आपको अशांत किए जा रहे हैं। शांति आ रही है केवल प्रेम करने से। अभी आप घर से ही आए, अगर प्रेम से आए हो, नॉर्मली आए हो तो रिलैक्स हो। अगर एक आधी हरकत करके आए हो घर में, पूरा सत्संग टेंशन बनी रहेगी। बेकारी बोल दिया, ना बोलते इससे अच्छा नहीं, फिर गलती तो उसकी भी थी। वो ताने बाने चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कहीं रिलैक्सेशन हो ही नहीं रहा। क्या कारण है इसका? जैसे आंख में कुछ चला गया, फॉरेन पार्टिकल बहुत बारीक है, पर क्योंकि वो आंख का हिस्सा नहीं है, आंख परेशान हो गई, नहीं स्वीकार करती, दुखी हो जाती है। दांत में कुछ फंस जाए, कितनी परेशानी। फॉरेन पार्टिकल कुछ स्वीकार नहीं हो रहा बॉडी को, एक फांस लग जाए उंगली में, जब तक निकलती नहीं चैन नहीं आता। जब हमारा शरीर भी कोई फॉरेन पार्टिकल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मन कोई फॉरेन पार्टिकल कैसे एक्सेप्ट करेगा? मन भी नहीं करता। अद्वैत की सारी बातें डाइजेस्ट है, द्वैत की बात डाइजेस्ट ही नहीं हो रही। खाना खाया जो पच गया, सुपाच्य भोजन, पता भी ना चला, लेकिन जो अंदर कुछ कुछ करता रहा डाइजेस्ट नहीं हुआ। प्रेम की बात हजम, और वैसे द्वैत की कोई बात तो हजम नहीं होती ना, चलता जा रहा, चिंता, ख्याल चल रहा है, बातें चल रही है, चिंतन चल रहा है, इनडाइजेशन। और आप देख लो, द्वैत की कोई बात करके छोड़ी नहीं जाती, अद्वैत की बात याद ही नहीं आती। दादा आप गाली देते हो, बोला अपना आप देख के देता हूं, इसीलिए मुझे चिंतन ही नहीं चलता। आप किसी को क्रोध करो, आपको चिंतन चल जाएगा, ज्ञानी तो भूल भी गया, मेरा अपना आप है। अपने को नहीं कई बार कहते हैं मैं भी कितना पागल हूं, चिंतन चलता है, मैंने अपने को पागल कहा, भूल गए। तो जैसे अपने को कहा तैसे तुमको कहा, द्वैत ही नहीं है उसके अंदर। पर आप द्वैत में आके कोई बात करोगे तो उड़ जाओगे। एक दिन दादा ने सत्संग में बड़ा जोश किया, किसी ने कहा दादा आपको भी इतना क्रोध आ गया? कहता है कि डॉक्टर को बुलाओ, मेरी बीपी चेक करो। साधारण आदमी अगर इतना क्रोध करेगा तो उसकी बीपी चढ़ जाएगी, मैं तो नॉर्मल नेचुरल हूं, क्योंकि मुझे क्रोध भी भीतर से आया ही नहीं। मैंने तो खाली ड्रामा किया तुम्हारे मन को लगाने के लिए। यानी उनके अंदर द्वैत का भाव नहीं, अद्वैती की स्थिति अपनी तरह की है। और जितना व्यक्ति द्वैत मत वाला है उतना उसके अंदर विचारों की भरमार है। तो जरूर देखना, प्रेम करना ना पड़े। जैसे एक झरने से पानी बहता है, प्रेम ऐसे मेरे से सहज झरता चले। ये नहीं कि मेरे को बैठ के प्रेम करना पड़ रहा है किसी से, मन को बना के। मन को बनाना कब पड़ता है? जब मन बिगड़ता है। प्रेम करना कब पड़ता है? जब अंदर प्रेम नहीं है, अंदर द्वैत है, द्वेष है, कोई और भाव है,
तब आपको प्रेम करना पड़ता है। खेचल झरना सहज बहता है, लेकिन कुएं से पानी खींचना पड़ता है। आपको भी बार बार प्रेम करना पड़ता है। फिर एक बात और देखना, जब प्रेम स्वभाव हो जाता है तो कोई बात नहीं। जब आप कहते हो मैं प्रेम करता हूं, करना पड़ा करता हूं, आप प्रेम की एक्टिंग करते हो, क्योंकि प्रेम करने की चीज नहीं। लव इज नॉट एन एक्शन बट ए स्टेट ऑफ माइंड। पर जब माइंड में प्रेम नहीं है, आप प्रेम कर रहे हो, इसका मतलब आप प्रेम की एक्टिंग करोगे, दिखावा करोगे। जो राम नहीं है वो रामलीला में एक्टिंग करता है। रामलीला में एक्टिंग कर रहा है, राम तो नहीं है ना। ऐसे जब आप भी प्रेम करते हो तो काम गड़बड़ है। मैं ना फलाने के घर गया, बहुत प्यार करके आया हूं, बनती नहीं थी हमारी, मैं प्यार कराया। कैसे किया प्यार? एक ले गए मिठाई का डिब्बा, एक ले गए गिफ्ट, कराए चिकनी चुपड़ी, बातें पिलाए उसके घर चाय का कप। पर दिल के भाव क्या थे, बात उसकी। तुम्हारे हृदय के भाव क्या है? प्रेम में अंडरस्टैंडिंग सहज है। प्रेम को अंडरस्टैंड भी करवाया नहीं जाता, किया नहीं जाता। प्रेम तो दिल से दिल में पहुंचता है, बल्कि मैं कहूं और तुम समझो, चलो अच्छी बात है, अंडरस्टैंडिंग हो गई। पर मजा ये है मैं कहूं भी ना और तुम समझ जाओ, इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग असली, इसको कहते हैं प्रेम करना। वहां ना शिकायत, ना कुड़न, ना जलन, ना लेना ना देना, प्रेम उसको कहेंगे ना। जहां पर आपके भीतर सहज भाव है, अंडरस्टैंडिंग होती है, आप जहां बैठते हो आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, कितना समझते हो एक दूसरे को, प्रेम होगा तो समझोगे। अब कई लोग कहते हैं हम एडजस्ट करते, प्यार है ना, एडजस्ट कर लेते, हमको हंसी आती है। प्यार और एडजस्टमेंट, प्यार में तो लगता ही नहीं मैंने एडजस्ट किया। आज आप अनुभव सुनाने बैठो, आप किसी को कहोगे मैंने गुरु के साथ एडजस्ट किया, कभी ख्याल भी नहीं आया होगा। जहां इतना प्यार होता है वहां एडजस्टमेंट की तो बात ही नहीं होती, और आप कहते हो मैं प्यार में एडजस्ट कर लेता हूं। जहां प्यार होगा वहां लगेगा ही नहीं हम एडजस्ट कर रहे हैं, पर अगर लगता है ना हम एडजस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर प्यार नहीं। प्यार चंचलता को भी नहीं कहते। कई बार आप लोग सोचते हो सारा दिन हंसी मजाक ये वो छेड़ा खानी करते हैं, प्यार कर रहा हूं, प्यार करना इसको भी नहीं कहते। पर बुत बन जाने को भी प्यार नहीं कहते। प्यार एक सहज स्वभाव है जिसमें चंचलता भी नहीं है लेकिन रुखाई भी नहीं है, यानी चंचल भी नहीं है पर साथ ही साथ देखोगे रुखाई भी नहीं है उसके अंदर, रुखापन नहीं। प्रेम करने आता है उसको, सबको कर सकता है। तुम लोग प्रेम भी सुन सुन के करते, सत्संग भी सुन सुन के जाएंगे। कभी अनाउंस कर दो ना किसी छोटी एरिया में सत्संग है, लोग नहीं जानना चाहते, ये वहां कैसे जाएंगे, क्यों नाकट जाएंगे। और तो एरिया है, अभी तो सब डेवलप हो गया, सब जगह ही अच्छा हो गया,
लेकिन तुम्हारी मेंटेलिटी में अभी भी द्वैत है, तुम्हारे अंदर अभी भी ऊंच और नीच है, प्रेम स्वभाव नहीं बना अभी, अभी नहीं बना स्वभाव। कोई सहेली हो, कोई अपने बराबर की, उसके घर तो पहुंच जाएंगे, कोई भी टाइम हो, कोई भी दिन हो, एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन सबके लिए है, समभाव है, सम प्रेम है। अभी तो तुम यही फेल हो, सत्संग में ही फेल हो, अभी तो सम प्रेम नहीं है अंदर, समभाव नहीं है अभी। सोच के, सुंग के बहुत विचार करते, जब सत्संग में बैठ के प्रेम नहीं करना है, बाकी क्यों करते हो? आया सबको प्रेम करना है, सब कर्म दिखता है, स्वभाव दिखता है, एक चीज की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो ना, उसमें भी मन थक जाता है। मानो आज हम एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी हम भी नहीं देते, कोई प्यार से ले लेता है ड्यूटी, पर चार दिन बाद मेरी ड्यूटी है क्या ये करना, तो क्या हुआ, ड्यूटी की क्या बात है? अगर एक व्यक्ति प्यार से कुछ कर पा रहा है, बांध पा रहा है सबको, क्या दिक्कत है? समझो रोज सुबह भजन के लिए ही बैठते हो, कोई एक चलो जिम्मेवारी ले लेता है, समय से बैठना, सबको बुला लेना, कोशिश कर लेना, अब चार दिन में मन उससे भी थक जाता है, क्या मेरी ड्यूटी है? तो चेक करोगे दूसरों को, आज मैं सोया रहता हूँ, देखूं ये क्या करते, आज मैं नहीं उठता हूँ, देखूं, आज मैं देर से बैठूंगा, देखूं ये लोग टाइम से बैठते हैं। तो तुम इतने से तुमको मौका मिल रहा है प्यार करने का, सबको तपस्या में बिठाने का, साधना करवाने का, उसमें भी तुम्हारे अंदर इतनी बातें घुस जाती, क्या प्यार करोगे किसी को? दिल तो इतनी छोटी, माता बोलते थे दिल लगता है जनानी पोशाक है मर्दानी, पोशाक है मर्दानी खाली, दिल तो तुम्हारी जनानियों वाली थी, छोटी सी चूहे वाली दिल लेके बैठे। अरे प्यार करने वाला तो दिल बड़ा करता, हमने तो कभी नहीं काम, रोज मेरी ड्यूटी है क्या सत्संग करूं, ड्यूटी की क्या बात है? भगवान ने शफा दी है, किसी को सिमरन करा सकते हैं, शुक्र साथ अपना हो जाता है। हर चीज में तराजू है हाथ में, हर चीज को तौलते रहो, क्या हो गया प्यार से? इतना प्यार करना आना चाहिए तुम्हें, कोई अगर गफलत भी कर रहा है उसको भी प्यार से जीत के बिठा लो साथ। प्यार करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, ये भी याद रखना, कोई भगवान स्टेज बना के नहीं देगा, इस पे चढ़ जाओ और प्यार करो, प्यार तो चलते फिरते प्यार की फुहार कर दी जाती है सबके ऊपर, सहज ही हो जाती, चलते फिरते प्यार के छींटे सब पे डाल सकते, उसमें कौन बड़ी बात है? सबकी खुशी के लिए अपने को मोड़ लेना, सबकी खुशी में खुश हो जाना, सबको प्यार करना, ये सब तो सहज है, इसमें सोच कहां से आ जाती है और थकान कहां से आ जाती है? क्यों किसी के भी कर्म अंदर घुसा के रखते हैं? नहीं फलाने ने मेरे से ऐसा चलाया ना, मैं उसको तो प्यार कर ही नहीं सकता, कब तक? कब तक मन में द्वेष रखोगे? कब तक? गुरु ने भी तो तुम्हारी हजारों गलतियां माफ करी, तुम किसी को क्षमा करके प्रेम नहीं बना सकते। देखो अंदर पड़ा रहता है, जब कुछ इमेज पड़ी है, कोई बात पड़ी है, जैसे ही अगला सामने आएगा तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन चेंज, एक्शंस चेंज, वाणी चेंज, एकदम हर चीज में बदलाव आ जाता है एकदम से। क्यों आता है? क्योंकि अभी तक भीतर प्रेम किया नहीं है। अगर दूसरों से चोटें ना मिलती, क्या तुम भगवान की गोद में गिरते?
इतना ही विचार काफी है सबकी बातों को भूलने के लिए। भूल जा जो देखता है, जो है देखा भूल जा, क्या करेगा याद करके ये जमाना भूल जा। क्यों नहीं तुम कोशिश करते हो प्रेम का भाव रखने की, फिर देखा तो आकार, देखा तो नाम और रूप, क्यों देखा? देखो किसी भी चीज की शुरुआत हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे करते हैं। आज अगर एक व्यक्ति लाइन में चप्पल उतारे, सारे लाइन में लगा देगा, कहीं बैंक जाओ कहीं जाओ, अगर एक दो लोग लाइन लगा लें, सारे लोग लाइन लगा लेते, होता है ना ऐसा, लाइनें अपने आप बन जाती हैं साथ के साथ। जब ज्ञान को, गुरु के वचनों को जितनी श्रद्धा से धारण करोगे ना, सब उतनी श्रद्धा से धारण करेंगे। अभी समझो आप 7-8 लोग, हम आपको कहते हैं जाओ नीचे बैठ के भजन भाव ही कर लो, क्यों खाली बैठे? अब एक बैठा, इधर बेंच बना, इसके साथ बैठा, पैर फैला के ऐसे बैठ गया, गाओ गाओ भजन मैं गा रहा हूं। एक बैठा सामने पिलर से, वो यूं अपना झपकी खा रहा है, एक बैठ के भजन गा रहा है, बनेगी बात? पर अगर एक ढंग से गुरु को आज़िर नाज़िर जाने, हम पर्दे हटाते हैं, सिंहासन खुल जाएगा, दरबार खुल जाएगा, सामने बैठ के बहुत प्यार से गाएंगे, आठ हैं तो क्या होगा, ढंग से बैठते सबके अंदर भाव जागेगा कि नहीं जागेगा? तरीका होता है, हर काम को करने का तरीका होता है। गुरुजी के पास ना जब ये हॉल बना तो मॉर्निंग में भी सत्संग होता था, हम लोग जिस दिन पहुंचे बड़ा अजीब, हॉल के अंदर ही एक वहां बैठा है, एक वहां सत्संग हो रहा है, एटमॉस्फेयर ही ना लगे। हमने गुरुजी को कहा कल से हम लोग बाहर वाले बरामदे में बैठे। बोले क्यों? अंदर तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई तखन पे बैठा है तो उसको वही नींद आ गई, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, पर अगर हम लोग बाहर ढंग से बैठ जाएंगे, इकट्ठे होके बैठेंगे ग्रुप में, शायद माहौल बनेगा। और फिर तो सालों चला, कई बार तो शाम को भी बैठते थे। एक तरीका होता है ना हर काम को करने का। कई बार सबका मन करता है जहां थोड़ा भी मिलके बैठते हैं सत्संग, एक स्वरूप दे दीजिए, स्वरूप लगा दे गुरु जी का, आपका स्वरूप लगा दे। स्वरूप लगाने का क्या अर्थ है? मतलब शायद तुम दुनिया में भी जिनको भगवान मानते थे ना, जड़ को, उनका भी आदर करते थे, गुरु की तस्वीर का शायद उतना भी आदर नहीं। वही तस्वीर लगा रखी है, वही भजन गा रहे हैं, वही बैठ के चाय पिए जा रहे हैं, वहीं बैठ के जबकि खाए जा रहे हैं, हमको पता चलती है बातें, दूर है हम एक जगह नहीं आ सकते, हम अपने उधर बैठ जाएं, बैठ जाओ मना नहीं, करते क्या? श्रद्धा से बैठते हो, ढंग से बैठते हो, उठते हो सुबह, क्या तुम्हारा अनुभव है? हम अमृत पी के उठे, इतनी प्रीति सहित बैठे, अभी तो गुरु को ही पूरा प्यार नहीं करते हो दिल से। जब तुम्हारी सुख बुद्धि आड़े आ गई तो गुरु को भी टंगे रहने दो दीवार पे, मेरा की बताओ, क्या तेरी गुरु से पूर्ण प्रीत है? उनको आसिर नासिर जाना। सुबह सुबह क्या तुमने 4 भजन भी गाए, तुम्हें महसूस हुआ मैंने आज अमृत पिया, आनंद हो गया मेरे अंदर, मौज आ गई है, मस्ती आ गई है? क्या उनकी याद भी तुम्हारे अंदर प्यार की झनकार लाती है? अगर उनका प्यार याद आ जाए, वो याद आ जाए,
कोई आलस तो नजदीक ही नहीं आएगा, मन तो भाव विभोर हो जाता है प्रेम। हम लोगों को सत्संग में आलस क्यों नहीं आता? क्योंकि गुरु इतना प्यारा लगता है, उसको याद करते ही मन आनंद से भर जाता है। फिर तार टूटती नहीं, बंधा रहता है विचार उन्हीं से, उन्हीं के प्रेम में। मजा इसी बात का। पर जब पूर्ण प्रेमी नहीं जाता अंदर, तो फिर कहोगे मैं भगवान को भी प्यार करता हूं, गुरु को भी प्यार करता हूं। कैसे करते हो गुरु को प्यार? आप क्या खाएंगे, आपको क्या पसंद है, आपके लिए क्या ले है? जो बाहर जाने लगता है आपके लिए क्या ले है, तो तुम वापिस आ जाना, उतना ही काफी है। कुछ तो कहिए। अच्छा भाई, जहां जा रहे हो सत्संग से जुड़े रहना, रोज एक घंटा समय निकाल के सत्संग जरूर सुन लेना, इतनी कृपा कर लेना। मन क्या सोचता है, गुरु को भी प्यार कैसे करूं? कोई बेटा ले आऊं, कोई चीजें ले आऊं, गुरु क्या करेगा? रमण में ऋषि, उसने नारियल तोड़ के ना, वो नहीं बन जाता कटोरा सा, वो रख रखा था, उसी में पानी वानी पी लेता था। संतों का गुजारा तो इतने आराम से होता है, एक गिलास भी ना चाहिए। प्रकृति ने सब मौजूद किया, कुछ नहीं चाहिए। गुरु से प्यार करने का ये मतलब नहीं है। उनका प्यार क्या है? उनके साथ तेरे सच्चे प्यार का मतलब है तो उनको याद कर और गदगद हो जा। तेरा मन भीग जाए, तेरी आंखें भीग जाए, उनको याद करते ही तू एक मिनट में अपने आप को भूल जाए। ये होता है उनसे प्यार करना। भक्ति तो इसको कहते हैं, सच्चा प्यार तो इसको कहते हैं कि जहां उनको याद किया हृदय से गदगद हो गया, आनंद आ गया। फिर तो चाहे पूरी रात बीत जाए ना बातें करते हुए, सुबह तुम्हें थकान नहीं होगी, आलस नहीं होगा। फिर बीती रात मेरी उनसे बात होते होते, मुझे दर्शन दे गए प्रभु कल रात सोते सोते। प्रेम के सही अर्थ क्या है, ये भी तो समझो। उपासना भगवान के लिए नहीं होती। जिन को पूछने लगा, हम सत्संग आते तो हैं, सब कुछ है, पर आप बताइए हमने भगवान के लिए क्या किया? मैंने कहा यही तो मिसकंसेप्ट है। उपासना भगवान के लिए नहीं है, उपासना अपने लिए है। तुम बैठ गए, हमने तुम्हें आर्डर दिया भाई यहाँ रहोगे तो सुबह उठ के भजन की क्लास में बैठना है। तुम बैठ गए, मेरे कहने से बैठे रस नहीं आया, अपने शौक से आके बैठो। सुबह सुबह स्वरूप की बात, सुबह सुबह गुरु की याद, सुबह सुबह भजन, आहा मजा आ जाएगा। एक अपना शौक लेके बैठो तब आएगा आनंद। अगर हम अपने शौक से सत्संग आते हो, आप अपने शौक से आते तो आनंद आता है। एक दंड हो गया आपको आना है, क्या मजा आएगा? मन बहाने ढूंढेगा छुट्टी करने के, आज ये काम आज वो काम, और नहीं तो हजार कामों में से भी निकलते हो, शरीर की पीड़ा में भी आ जाते, बुखार तक में आ जाते। क्यों आ जाते? जब अपना इंटरेस्ट है। अब सत्संग अपना इंटरेस्ट हो गए तो हम मान ही नहीं सकते यहां बैठ के तुम्हारा ध्यान ऐसे से ऐसे भी हो जाए। लेकिन जब अपना इंटरेस्ट नहीं है, एक मजबूरी समझ के भाई बैठना है, क्या करें, गुरु को पसंद नहीं है सत्संग ना बैठो तो यहाँ बैठ भी जाओगे ध्यान भटका रहेगा या नींद आती रहेगी, मजबूरी जो बैठे। एक अपने शौक से इंसान बैठे
प्रेम कैसे जागता है? जब भीतर होता है, भीतर का प्रेम होता है वो काम करता है। क्या पाने वालों ने उधर नहीं पाया? क्या मूर्ति में नहीं पाया? चलो हम कहते हैं हम लोग श्रेष्ठ हैं, सच मिल गया, लेकिन पाने वाले तो मीरा जैसे वहां भी पा गए। हमारे घर के पास हम लोग पहले रहते थे टैगोर गार्डन, उधर मंदिर था, उधर गुफा बनी हुई थी, एक माता जी थे, वो नवरात्रों में गुफा में चले जाते थे 9 दिन, बिल्कुल दरवाजे बंद और 9 दिन बाद बाहर आते थे। पर जब आना होता था ना तो हम लोग बड़े दरवाजे खटखटाए गुफा के, आओ आओ, 3-3 घंटे बाद आते थे। हम उनसे पूछा करते थे आप इतना वक्त क्यों लगा देते हैं बाहर आने में? कहते थे मायके से लड़की निकलती है आसानी से। उस समय हम लोग छोटे छोटे होते थे, समझ नहीं आती थी बातें। उनका जवाब यही होता था, मायके से लड़की को निकलते देखो, सवेर रात को कह के सोएगी, सुबह चली जाऊंगी मैं 7-8 बजे 9 बजे, और शाम करके जाती हूँ, अच्छा अभी जाती हूँ, अच्छा अभी लेट जाऊं, अच्छा अभी पैकिंग करती हूँ, अच्छा लंच खा लूं, अच्छा थोड़ी देर आराम तो कर लूं, चाय पी के चली जाऊंगी। सुबह से जाने लगती है, रात हो जाती है। अब समझ आता है उनका इतना प्रेम था, इतना प्रेम एक मूर्त से भी, और हमें साकार में मिला, हमारे अंदर ऐसी खींच, ऐसा प्यार है। और वो 9 दिन से वहीं बैठे हैं तो भी उनको बाहर निकलने में दर्द हो रहा है, और बाहर आके भी रो रो के भजन गाते थे कि भगवान तूने मुझे बिछोड़ा क्यों दे दिया, मैं तो तेरे चरणों में इतना अच्छा बैठा था, ये बार की ये संगत ये माया मैंने क्या करनी थी। और लाखों की भीड़ होती थी अलग, हजारों, और उनके प्रीत वही, उनका रोना वही, ये अपने अंदर का प्यार है ना, मजबूरी नहीं है। हम लोग तो पाठ करते थे, हम भी व्रत रखते थे, शौक होता था, बच्चे थे उनको देख के अच्छा लगता था, और भक्ति के बीच तो खैर उन्होंने डाले ही थे, तो शौक होता था। पर हम तो पाठ पढ़ते थे, वो मिलती थी ना दुर्गा सप्तशी होती है, पढ़ते थे नवरात्रों में, हम पाठ करते थे, वो तो अंदर पाठ भी नहीं करते थे, पढ़े लिखे ही नहीं, कोई किताब कॉपी भी नहीं ले जाते थे। 24 घंटे कैसे दिल लगाया जा सकता, प्यार वाले के साथ दिल लग जाता है। भी आपका गुरु से प्रेम है आपको, अभी हर बार 4 दिन भी सब कहते हो कम लगते हैं, लग गया ना दिल, उनका भी दिल लग जाता। हम हैरान होते थे ये 9 दिन अंदर करते क्या, कोई पाठ कर रहे हो, कोई पूजा कर रहे हो, कोई सामग्री नहीं होती थी अंदर, एक जो जलती रहती थी बस, वो वैसे ही 24 घंटे चलती थी मंदिर में, इसके अलावा कुछ था नहीं। लेकिन प्रेम समझ में आता है, इतनी प्रीत थी। सुबह 9 बजे का समय होता था उनके बाहर आने का, 1-1 बजे दोपहर को बाहर आते थे, बाहर इतने लोग इंतजार कर रहे हैं। और प्रेम का मिसाल बड़ा अच्छा हमने देखा था कि जो वहां पर मूर्ति थी वो बाहर आते थे तो मूर्त और सूरत एक हुआ करती थी, बिल्कुल ऐसे लगता था दोनों को इकट्ठा बिठा दो पता ना चले मूर्ति कौन सी और असली कौन सी, चेहरे पे एकदम बहुत तेज होता था और आंखें झुकी हुई, भले पैर में लोग गिर रहे होते थे उनकी आंखें सीधी या तो सामने दरबार की तरफ या झुकी थी, धीरे 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 चलते हुए पहुंच जाते। प्रेम हुआ तो प्रेम तो अगर भगवान को जान लिया, जड़ भी चेतन होके प्रेम कर सकता है हमारे साथ और हम उससे कर सकते हैं। पर अंदर प्रेम का अभाव हो जाए तो चेतन भी जड़ है, तो प्रेम भी भीतर का हो ना, गुरु से भी करना ना पड़े। मैं भगवान से प्यार करता हूं, मैं क्या प्यार करूंगा, उनके प्यार की जरी जरा इधर आ गई है तो यहां भी थोड़ा प्यार प्रकट हो गया, हम उनको प्यार कैसे करेंगे। प्यार तो उन्होंने दिया है मुझे,
उनकी कृपा है। अगर भगवान से भी प्यार करने लगोगे ना एक दिन थक जाओ, गुरु से भी करने लगो थक जाओगे, बोलोगे मैं थक गया, बहुत प्यार किया है मैंने, उन्होंने तो पलट के इतना नहीं किया, उन्होंने तो उतना किया, थकान आ जाए। रोवे अंदर का प्रेम, जैसे नहीं चुंबक रख दो और लोहा आकर्षित होता है, अंदर वाला कहेगा मैं थोड़ी कुछ करता हूं, मैं क्या करूं, मैं रह ही नहीं पाता, मैं क्या करूं, मेरा भगवान के बिना गुजारा ही नहीं है, करना थोड़ी पड़ा प्यार। अंदर वाला ही महसूस कर लेता है कि बस गुरु के प्रेम बिना दुनिया में सुना हो, तभी तो विवेकानंद नहीं थका। रामकृष्ण ने एक बार एक महीने तक उसको देखा नहीं, ना उससे बात करी। एक महीने के बाद रामकृष्ण उसको बुला के पूछते, तेरा मन नहीं चला? करा नहीं। क्यों भाई? पहली बात तो मैं आता हूं आपका दर्शन करने, आपकी वाणी सुनने, मेरा काम पूरा हो, आपने कस खाई मुझे नहीं देखा, आप तो एक घंटा सत्संग में बोले, मैंने सब सुना, आपने मेरे से बातें करी, आपने मेरी आवाज नहीं सुनी, कस तो आपने खाई, ना आपने मुझे देखा, पिता अपने बालक से बिछुड़कर सुख से कभी नहीं सो सकता, आप दुखी हुए होंगे, मेरा काम तो पूरा हुआ, वो नहीं थक रहा कि मैं नहीं जाऊं, देख तो रहे नहीं, बोल तो रहे नहीं, वो नहीं थक रहा। प्रेम ही वही है जिसमें थकान आती नहीं, जहां थकान आ गई वहां तो मजदूरी है, हम कर्म कर रहे हैं, प्रेम भी कर रहे हैं, लेकिन सच्चा प्रेम कौन सा थकने ही नहीं देता। ठोकर लगा के मैं तेरे रस्ते पे पड़ा, मेरे हठीले शाम, कहता है भगवान अगर तुम हठीले हो, हठी हो, नहीं देखते हो, ठोकर मारते हो, मारो ठोकर, ठोकर मारने के लिए भी एक बार देखोगे तो सही, ऐसे उल्ट हवा में ठोकर मार दोगे। ठोकर लगा के मैं तेरे रस्ते पे पड़ा हूं, ये प्रेम है भीतर का, कि ठोकर भी मार दोगे तो भी मैं तुम्हारे रास्ते पे पड़ा रहूं, थकूंगा नहीं, भागूंगा नहीं, ये नहीं सोचूंगा कि चला जाऊं, जाऊं कहां, ये प्रेम हुआ ना जो थकने नहीं दे रहा। और अगर कोई भगवान से भी प्रेम करता है, अब देखो आप संसार में मनोकामनाएं पूरी कराने के लिए लोग पूजा पाठ भक्ति करते, अब अगर किसी ने कह दिया शिव जी को छोड़ माता के व्रत कर, आपने माता की शुरू कर दी, किसी ने कहा नहीं नहीं हनुमान जी, हनुमान जी को शुरू हो गए, मतलब आपका दिली प्यार तो है ही नहीं, रोज रोज मुहूर्त बदलते जा रहे हो, लेकिन गुरु से होता है दिली प्यार। कभी सोच में भी नहीं आता कि मैं भगवान से दूर हो जाऊं, सोच में ही नहीं आया, क्योंकि दिली प्यार हो गया। पहले भले तुम गुरु गोसाइयों के पास इधर उधर भी गए हो, पर जहां सच्चा प्यार जाग गया वहां स्थिरता आ गई, ठीक कर, दिल ने ही कबूल कर लिया कुछ, ये सौदा हृदय ने कर लिया तो टिकाव हो गया, बैठ गए। तो सोच के देखो आप किसको कहते हो भगवान देखना, आप किसको कहते हो प्रेम करना, और इन चीजों की असल परिभाषाएं क्या हैं, गुरु क्या समझाना चाहता है, आपने क्या समझा, गुरु की समझ को अपनी समझ बनाओ, तब बात बनेगी।
अगर गुरु की समझ तेरी समझ नहीं हुई, अनुभव सही नहीं हो पाएगा। सही अनुभव के लिए पहले ज्ञान की सही समाधान था। और अब इस एंगल से चलो, फिर देखो प्रेम करना पड़ता है या प्रेम सहज होता है। फिर देखो, आई बात समझ में? करना नहीं पड़ेगा।